नमस्कार आदाब, न्यूज़क्लिक के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों के नतीजे अब लगभग बिल्कुल साफ हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां बीजेपी को जीत हासिल होने में सफलता मिली है, वहीं गुजरात में जीत कर भी उनको एक बड़ा झटका लगा है इस हिसाब से कि उनकी सीटें पिछली बार से काफ़ी कम हो चुकी हैं। लगभग 100 के भी नीचे इस वक्त के रुझान उनको दिखा रहे हैं। इसी बारे में और चुनावों के पूरे एक बड़ी पिक्चर के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं मेरे साथी तारिक अनवर और CPM हिमाचल से तिकेंद्र जी। तो पहले हम बात करेंगे गुजरात की। तो तारिक, गुजरात का जो सुबह जो नतीजे आ रहे थे उन नतीजों से इस वक्त तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों हुआ है इस तरीके? हाँ सोनाली, बिल्कुल सही है। अभी अब जो विनिंग मार्जिन है दोनों पार्टीज के बीच का, वो बहुत नैरो हो चुका है। लगभग 18 सीट का मार्जिन है। अभी बीजेपी जो है वो 99 पे सेटल होती हुई दिख रही है और कांग्रेस 81 पे, कांग्रेस अलायंस, कांग्रेस प्लस की बात करें तो वो 81 पे, तो 90 अराउंड 18 सीट का गैप है दोनों पार्टीज में, जो कि बहुत बड़ी मार्जिन नहीं है और एक सेटबैक ज़रूर है बीजेपी के लिए। जो फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि ये क्लियर हो चुका है कि बीजेपी को ने के अगेंस्ट जो एंटी इनकम्बेंसी थी सौराष्ट्र रीजन और कच्छ और सौराष्ट्र के रीजन में, बीजेपी ने कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वहाँ पर इनकी सीट्स बढ़ी है। बीजेपी ने सीट लूज़ की है वहाँ पर, तो इससे ये लगता है कि जो फार्मर्स इश्यूज थे वहाँ पे लोगों ने अपने उन इश्यूज पे वोट किया है और वहाँ और कांग्रेस का नंबर बढ़ने में एक बहुत बड़ा रोल उस रीजन का रहा है। अगर हम बात करें नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल गुजरात की, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई। लास्ट टाइम जो लास्ट मिनट बीजेपी की कैंपेनिंग हुई, इमोशनल पॉलिटिक्स की गई वहाँ पे, बहुत जगह पे इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट दिए गए, वो बीजेपी के फेवर में दिखती हुई दिख रही है और वहाँ पे बीजेपी ने अच्छा किया है। और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जो पैशन था बीजेपी का अर्बन सीट्स, उसमें कांग्रेस इनरोड नहीं कर पाई। लेकिन ओवरऑल कंटेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि जो विनिंग मार्जिन है, सीट मार्जिन है, वो घट के बहुत नैरो हो गई। तो आपने जैसे बात किया कि सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में बीजेपी को काफ़ी, कांग्रेस को सॉरी, काफ़ी बढ़त, मतलब उन्होंने काफ़ी अपना पैठ बनाई, तो लेकिन GST डिमोनेटाइजेशन के बाद लग रहा था कि ट्रेडर्स बीजेपी से थोड़ा हट रहे हैं कि हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहा इस इलेक्शन का। जब हम लोगों ने विजिट किया था सूरत और जो उनका डिफरेंट मोरबी देखा हम लोगों ने, हालांकि मोरबी कांग्रेस जीत चुकी है, मोरबी जो सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए माना जाता है, अराउंड 200 करोड़ की इंडस्ट्री है वहाँ पे, 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। और फिर साउथ गुजरात के जो सूरत के की डिस्ट्रिक्ट थी, विच आर नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल एंड डायमंड बिजनेस, वहाँ पे कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई। हालांकि हार्दिक पटेल ने वहाँ पे रैली की थी, बहुत अच्छा टर्नआउट था, मैसिव टर्नआउट था, PM मोदी ने भी वहाँ रैली की थी, उस दोनों को कंपेयर करें तो बहुत इम्प्रेसिव रैली की थी हार्दिक ने, लेकिन ये कांग्रेस के फेवर में नहीं जा पाई चूँकि ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ सूरत भाजपा जीत चुकी है। और जो वराछा बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती थी, वराछा में भी भाजपा ने अपना फिर से उस सीट को रिटेन किया है। तो इस तरह से अगर हम कहें, देखें, तो ये डीमोनेटाइजेशन और GST एक इलेक्टोरल इशू नहीं रहा ट्रेडर्स कम्युनिटी में, जो कि लगता था जब हम कैंपेन में उनसे बात करने गए तो जो लगा था कि ये एक मुद्दा है उनके लिए, जो कि लास्ट टाइम में सबसाइड हो गया। तो जहां एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में काम नहीं कर पाई, लगता है वो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी काम करा, और हिमाचल में इस वक्त बीजेपी हर
तरीके से आगे चल रही है, 44 सीटों पर वो आगे है, 21 सीटें कांग्रेस के पास हैं इस वक्त। हिमाचल प्रदेश में हमें पलड़ा बिल्कुल उल्टा नज़र आ रहा है, जहां पिछले बार 2012 में बीजेपी के पास 26 और कांग्रेस के पास 36 सीटें थी, वहां अब तक 2017 में बीजेपी के पास 44 और कांग्रेस के पास 21 सीटें हैं। और इस इन चुनावों के बारे में इसके इसका क्या असर पड़ेगा हमारे देश की राजनीति के बारे में, इस सब चीज़ों इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए अब हम मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे कलीग प्रांजल, और टिकेंद्र जी तो हमारे साथ हैं ही। तो टिकेंद्र जी, हिमाचल की स्थिति अब आपको क्या लग रही है? देखिए, हिमाचल की स्थिति जैसा आपने बता दिया है सोनाली, वही स्थिति है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने कही है, शायद वो थोड़ा और समझने की ज़रूरत है कि सांप्रदायिकता और कम्युनलिज्म जो उन्होंने गुजरात में चलाया, ऐसा नहीं वहाँ भी चलाया। आपके मुसलमान ना होने से भी पोलराइजेशन कम्युनल होती है, और वो उन्होंने हिमाचल में करके दिखाई। दूसरी बात यह है कि जो मैंने सुबह भी कहा था, वहाँ पर एंटी इनक्यूमेंसी तो था ही था, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट और हर 5 साल बाद वहाँ बदलाव होता है, वो एक पहलू है। लेकिन दूसरी बात उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने बहुत सिस्टमैटिक ढंग से मोदी का चेहरा हटाकर प्रेम कुमार धूमल का चेहरा लाया था, और ये अपने आप में दिखा रहा है कि जो डेवलपमेंट का मॉडल, जो विकास का नारा, विकास का मॉडल दिखा रही है भाजपा, दरअसल वो उसको बदल रही है विनाश में। वो विनाश का नारा है सांप्रदायिकता का गुजरात में, और वही विकास से विनाश की तरफ वो जा रही है दूसरे पहलू को लेकर हिमाचल में। तो हिमाचल में उन्होंने मोदी को हटाकर प्रेम कुमार धूमल को लाया, और धूमल के हिसाब से हिमाचल के विकास को गढ़ने की कोशिश की। वो बात अलग है कि धूमल साहब खुद ही हार गए इलेक्शन में। तो क्वेश्चन ये है कि वो उसने बहुत लेवली उस काम को किया है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज ये थ्रो करता है आने वाले समय में किस तरह से होगा। और जहाँ तक हिमाचल के पूरे पॉलिटिक्स के सवाल है, तो ये कोई नई बात नहीं है हिमाचल वासियों के लिए, हर 5 साल में बदलाव है। और मुझे लगता है कि खासकर जो प्रोग्रेसिव वाम, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज मैं फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, तो एक तरफ जिग्नेश को और एक तरफ राकेश सिंघा को तोल के देखा जा रहा था कि अगर जिग्नेश संघर्ष का प्रतिबिंब है गुजरात में, तो राकेश सिंघा प्रतिबिंब है संघर्ष का। तो ये संघर्ष की जो राजनीति की जो चिंगारी फूट रही है, और वो चिंगारी विधानसभा में पहुंच रही है, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा एक मैसेज है। तो प्रांजल, जैसे कि टिकेंद्र जी ने कहा कि ये विनाश नहीं, विकास नहीं, दरअसल विनाश है जिसको बीजेपी विकास के रूप में दिखा रही है। तो लेकिन इन नतीजों से इतना लगता नहीं है कि लोगों को इस विकास के पीछे छुपा विनाश नज़र आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश की राजनीति पे, क्योंकि 2019 बहुत करीब आ चुका है, उस पे इन नतीजों का से हम आगे किस तरफ बढ़ेंगे? अब ये कहना तो थोड़ा मुझे लगता है कि सही नहीं होगा कि लोगों को विनाश नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जहाँ तक, हालांकि बीजेपी का वोट शेयर जो है वो इंटैक्ट रहा है गुजरात में, बल्कि थोड़ा बढ़ा ही है, और हिमाचल में सीट्स लेकिन कम हो गई हैं, वोट शेयर बढ़ा है लेकिन सीट्स कम हो गई हैं। और जिस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, आप देखिए गुजरात में कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वोट्स के साथ आगे आए हुए हैं, नोटा को काफ़ी वोट मिला है। तो इस तरीके से ये मतलब साफ तो हो ही रहा है कि जिसको मोदी एक मॉडल स्टेट की तरह से प्रचार करके पूरे देश में उन्होंने 2014 में सरकार बनाई, और उसी स्टेट में उन्हें जाके पाकिस्तान के बारे में बात करना पड़ा, मनीषा शंकर अय्यर और नीच होने के बारे में बात करना पड़ा, राहुल गांधी को पप्पू बोल के बुला रहे हैं और रोया भी, उसके बावजूद भी वो 100 सीट नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। तो ये कहना थोड़ा गलत होगा कि ये विनाश नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक इसके इम्पैक्ट की बात है ब्रॉडर नेशन की पॉलिटिक्स पे, तो एक चीज़ तो साफ हो गई है कि जो ये मोदी लहर की बात चल रही थी वो ख़त्म है, कहीं मोदी लहर नज़र नहीं आ रही है। और कांग्रेस भी एक रिवाइवल के ट्रैक पे एटलीस्ट गुजरात में है, हिमाचल में एक एंटी इनकम्बेंसी करंट वो और नीचे चले गए हैं, पर गुजरात में एक रिवाइवल का साइन उन्होंने ज़रूर दिखाया है। आगे कई सारे इलेक्शंस आ रहे हैं, कर्नाटका एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेट है जो कांग्रेस बचा के रखना चाहेगा, और गुजरात में इस प्रदर्शन के कारण शायद उनके मनोबल में भी थोड़ा वृद्धि हो और वो गुजरात कर्नाटक में और तेज़ी से चुनाव प्रचार में उतरे, अपने जो संगठन की कमियां हैं उन्हें पहचानें और ज़मीन पर जाके लोगों से के साथ मिलकर काम करें। अगले साल आपके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान
और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ भी सामने आ रहा है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा में तो वैसे ही वामपंथी सरकार कई सालों से चली आ रही है और बीजेपी वहाँ हर तरीके की सांप्रदायिक और साथ ही साथ ट्राइबल्स में एक जो कलेश मचाने की कोशिश कर रही है उनको करारा जवाब वहाँ मिल रहा है। जहाँ तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों जगह पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेजेंट्री का जो मूवमेंट है वो तेजी से बढ़ा है। और अब ये एक स्पेस है क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, नीतियाँ वही हैं। टिकेंद्र शायद उस पर और बता पाएंगे कि किस तरीके से दोनों सरकारें, चाहे जो भी सरकार हो, भाजपा या कांग्रेस, नीतियां दोनों की लगभग एक ही तरीके की रही है। देखिए प्रांजल, मेरा जो इसमें मानना है कि इतना सरल नहीं होगा आने वाला समय, और ये बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि एक चीज़ बहुत साफ नज़र आ रही है गुजरात के चुनाव के बाद, और वो ये है कि जो उन्होंने अपना विकास का मॉडल है वो डंप कर दिया है। और उन्होंने, इसलिए मैंने विनाश बोला, क्योंकि वो जो कम्युनली पोलराइज करना है उसको बहुत तेज़ी से ले रही है, और वो हमने गुजरात में देखा है। सिर्फ गुजरात में नहीं देखा, वो आप क्रिसमस कैरल्स को लेकर मध्य प्रदेश में आप देखते हैं, उदयपुर में आप देखिए, आप झंडा फहरा रहे हैं, झंडे फहरा रहे हैं, आप जो कातिल है उस कातिल को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि वो कॉम्युनली पोलराइज करने के लिए आमादा है, मतलब कुछ भी हो जाए तो ये डेंजरस है, और वो स्टेट का स्ट्रक्चर है, स्टेट का हिस्सा है। दूसरा जो मुझे डेंजरस ट्रेंड नज़र आ रहा है, हालांकि बात ठीक है ये कहना कि मतलब बीजेपी को थोड़ा पिछाड़ा है, सब कुछ है, लेकिन दूसरा ट्रेंड मुझे अपोजिशन की पॉलिटिक्स पे थोड़ा क्वेश्चन है, और वो मुझे जो डेंजरस ट्रेंड है, आप पूरे इसमें देखेंगे तो गुजरात के खिलाफ जो नैरेटिव बिल्ड किया गया उसमें ओबीसी हैं, उसमें दलित हैं, लेकिन उसमें मुसलमान गायब है। तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले करना है कि ठीक है, हम मुझे नहीं मालूम कांग्रेस की लाइन क्या थी, लेकिन अगर कांग्रेस की ये डेलिब्रेट लाइन थी कि हमने मुसलमान का नाम नहीं लेना है, और उसीलिए आप देखेंगे कि वो डिफेंसिव पे भी गए, और उसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान, मतलब पूरा लड़ाई वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान और मुशर्रफ की लड़ाई हो रही है, अगर बीजेपी जीतती है तो वो हिंदुस्तान जीतता है, और अगर बीजेपी हारती है तो वो मुशर्रफ जीतता है। ये बहुत खतरनाक है, इसको आप अगर वो जो पूरी बड़ी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लीडरशिप को उसको शामिल नहीं करेंगे, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, और ये पूरी बातचीत हमें माइनस नजर आई इस कैंपेन में। बीजेपी तो उसको करेंगे नहीं, वो तो उसको और डराएगी, लेकिन इवन जो अपोजिशन है वो उस पर बातचीत करने को मतलब, तो उसका मतलब ये है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व अगर प्ले करेंगे तो आप बुनियादी साहब है, अगर सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व में संघर्ष है तो हार्ड हिंदुत्व को कोई रोक नहीं सकता, मतलब तो ये चैलेंज रहेगा आने वाले समय में, ये चैलेंज रहेगा, और इसलिए ये मुझे लगता है कि ज्यादा इसको सोचने विचारने की बात भी आने समय में रहेगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए भी क्योंकि अगर आप गुजरात के इलेक्शन कैंपेन को देखें तो स्टार कैंपेनर किसको बनाया जा रहा है, आदित्यनाथ को। Absolutely. और गोरखपुर में इतनी त्रासदी हुई, इतने बच्चे मरे, पर इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस कहीं नहीं उठा रहा है। और साथ ही साथ जो आदित्यनाथ का एक हार्डकोर हिंदुत्व का चेहरा है उसको भी वो टैकल करने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पे। वो तो प्रांजल सही है, मतलब बीजेपी तो बना रही है उसको, उसमें वो तो उसको तो वो तो बिल्कुल क्लैरिटी सामने नजर आ रही है, लेकिन एम्बिग्विटी जो नजर आ रही है, जो धुंधलापन नजर आ रहा है, इसको लड़ा कैसे जाएगा, इसको बिना वो शामिल किए हुए ग्रुप, वो कम्युनिटी को शामिल किए हुए, तो आप अगर उसकी पोलराइजेशन को नहीं रोकेंगे, और जो वो पूरा सेक्युलरिज्म का नैरेटिव है, वो सेक्युलरिज्म के नैरेटिव को आप अगर बिल्ड नहीं करेंगे तो मुझे कोई बहुत सुनहरा मतलब भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है, 100 से ऊपर वो नहीं गए हैं, उससे नीचे ये सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ ये दिखा रहा है कि बीजेपी का मॉडल फेल हो रहा है, और इसलिए उनकी डेस्परेशन है, जो आपने सुबह कहा था। अब क्वेश्चन है, उस डेस्परेशन में वो ये जानते हैं कि जितना ज़्यादा कम्युनली वो और पोलराइज करेंगे उतना ज़्यादा उनको और फायदा होने वाला है, और वो हमें साफ नज़र आ रहा है। तो इसलिए वो थोड़ा अब वो कैसे अनफोल्ड होगा, मुझे लगता है आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे ये भी लगता है कि इसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका रही है इस पूरे पोलराइजेशन को और पुश करने में, और जिस तरीके से जो हिंदुत्व के चेहरे हैं जैसे आदित्यनाथ हो, इन लोगों को आगे बढ़ाने में, तो शायद आप उसको बताने में ज़्यादा सक्षम होंगे कि क्योंकि आरएसएस का तो एजेंडा है कि 2022 तक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना है। तो हाँ, एक वो भी मुद्दा है, पर आपने सही कहा कि क्योंकि कांग्रेस का जो स्टैंड है वो भी एम्बिगुअस है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो वैकल्पिक राजनीति की जगह है वामपंथ के लिए हो या इस तरीके की कई जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, उनको भी एक रास्ता शायद यहाँ से आगे बढ़ने का मिले।
बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इतना लीनियर नहीं है जिस तरह से आप कर रहे हैं, क्योंकि वामपंथी की अपनी लिमिटेशन है, और अगर ये जो आने वाले चुनाव हैं सिवाय त्रिपुरा के मिनिस्क्यूल है, एक्चुअली कुछ एक जगह पर वो सीट जीत सकते हैं। तो जो मैं नैरेटिव बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ताकत और मेहनत की ज़रूरत है, और वो ये सबको शामिल किए बिना आप नहीं सोच सकते। लेकिन जिस तरह से ये शामिल हो रहे हैं, अच्छी बात है ये शामिल हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म को ये बिल्ड कर रहे हैं या जिस पॉलिटिक्स को बिल्ड कर रहे हैं, ये उस सेक्युलरिज्म से अगर मुसलमान को बाहर रखेंगे तो, और एक बड़ी कम्युनिटी को बाहर रखेंगे, और सिर्फ इसलिए कि नहीं उससे कम्युनल पोलराइजेशन जो उसको फ़ायदा, मतलब उनको फ़ायदा होगा, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बचकाना है, और ये गुजरात के इलेक्शन ने दिखाया है। नहीं तो ये माना जा सकता था, इसलिए सब कुछ कैंपेन के बावजूद, पूरा हमला करने के बावजूद रिजल्ट कुछ और बेहतर हो सकते थे। एक चीज़ इन चुनाव, हालांकि हम लोग चुनावों की बात कर रहे हैं और चुनाव नतीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो सांप्रदायिकता की जिसकी आपने बात की, उसको अगर हम नतीजों से आगे बढ़कर भारतीय समाज के बारे में कुछ बात करें तो भी मुझे लगता है दर्शकों के लिए बेहतर होगा कि किस तरीके से हमारे देश में जो इतना धर्मनिरपेक्ष देश, हमारे संविधान की नींव रखी गई, नींव में से एक रहा धर्मनिरपेक्षता, उसको किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, और चुनावी नतीजों के बीच में कहीं ये एक जो हमारा इतनी सोच थी वो पीछे नहीं। देखिए वो तो राइटवर्ड शिफ्ट पॉलिटी में जिसको हम बोलते हैं वो सामने नज़र आ ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो आपको तब महसूस होता है, और इसीलिए तो हम बार बार, जो मैं बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस को ये समझना चाहिए, अभी भी सबसे बड़ी ताकत वही है, इनफैक्ट आप सही बोले भोरव को, अपोजिशन में वही सबसे बड़ी ताकत है, कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व से इसको नहीं लड़ सकती है। और वो आपको मालूम पड़ता है जब आप आपस में बातचीत करते हैं कि आइडियोलॉजिकली अगर इसको नहीं लड़ा जाएगा तो आप बहुत कम दायरे पे इसको लड़ सकेंगे, क्योंकि आखिरकार बहुत से लोगों में डिस्कशन में ये था कुछ भी है, लेकिन आज अगर बीजेपी को इसलिए वोट देना जरूरी है क्योंकि ये पाकिस्तान को ठीक कर सकता है, ये हिंदुस्तान के अंदर ये जो तनाव है इस तनाव को और बढ़ा सकता है, मतलब यहाँ पर मुसलमान को ये ठीक कर सकता है, यहाँ पर ये जो पूरा सांप्रदायिकता का जहर है इसमें अगर कोई सबसे बड़ा फिट होता है तो वो मोदी का फॉर्मूला फिट होता है। ये सब के बावजूद जैसा तारिक कह रहे थे कि जीएसटी इतना बड़ा इशू था और डिमोनेटाइजेशन इतना बड़ा इशू था, लेकिन उसके बावजूद सिंगल हैंडेडली जो कम्युनलाइजेशन इन्होंने पॉलिटिक्स की है, और वो हमने हिमाचल में भी देखी है, उसके दम पर इन्होंने ये काम किया है, और इसीलिए इसको जब तक हम नीचे से नहीं लड़ेंगे, मतलब ऊपर से तो लड़ना ज़रूरी है लेकिन इसको नीचे से हम नहीं लड़ेंगे, इसका मुकाबला इतना आसानी से नहीं किया जा सकता, और वो हमारे सामने है। लेकिन इसके साथ साथ इन चीज़ों की बात करना शायद बहुत जरूरी, अब ज़रूरत हो गई है कि ये देखना होगा कि जिस तरीके से भाजपा एक हर स्टेट में एक मेजॉरिटी के साथ आ रही है और पार्लियामेंट सेशन डिले कर दिया, जो संवैधानिक ढांचे हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो एक ये जो मेजॉरिटेरियन स्टेट है वो भी एक थ्रेट बढ़ रहा है, और इनके साथ साथ जो कई इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो पीछे हटते जा रहे हैं। तो ये जो बड़ी मेजॉरिटी के साथ आप आ रहे हैं तो राज्यसभा में आपकी मेजॉरिटी बढ़ रही है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए राज्यसभा में इम्पैक्ट, मतलब आप पूरा पार्लियामेंट के इम्पैक्ट की बात, पार्लियामेंट के इम्पैक्ट, वो तो आप देख ही रहे हो कि पार्लियामेंट को ये कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, और शायद प्रांजल इसलिए भी नहीं समझ रहे हैं क्योंकि जिस संविधान की परिकल्पना करके या जिस संविधान से ये पार्लियामेंट आया है, ये पार्लियामेंट की इनको ज़रूरत नहीं है, और इनको ऐसे इंस्टीट्यूशंस इनफैक्ट इनके लिए हिंड्रेंस है, तो इसलिए दे गिव अ डैम टू सच इंस्टीट्यूशंस, मतलब इनको कोई परवाह नहीं है कि पार्लियामेंट का समय क्या है, पार्लियामेंट में डिस्कशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जिसमें ये संविधान दिया गया है, और इसलिए जिस तरह आपने कहा कि मेजॉरिटेरियन स्टेट में तो डिस्कशन की जरूरत है ही नहीं, मतलब वो तो सीधा सा साफ दिखता हुआ एक दायरा है, लेकिन मुझे उससे बात ये आ रही है कि आप देखिए, मतलब सीमा ने एक पूरा अभी पिछले दिनों जो आर्टिकल लिखा था कि एक्चुअली मैं ज़्यादा चिंतित इस बात से हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि जो सीमा ने भी पिछले दिनों में लिखा है कि आपका पूरा एक सेक्शन गायब है कैंपेन से, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बिना हम एड्रेस किए आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और इसी में ही है जो आप ये पूरा सवाल कर रहे हो कि पार्लियामेंट पे क्या फ़र्क पड़े, पार्लियामेंट के लिए परवाह ही नहीं है इनके लिए,
मतलब जैसा आप देख ही रहे हो कि उसके सेशन का टाइम, उसके डिस्कशन, आफ्टर ऑल अगर आप पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट देखेंगे तो वो लेजिस्लेचर है, वो पार्लियामेंट है जो सुप्रीम है, और उसके नीचे है जो गवर्नमेंट होती है, तो वो उनके लिए बेपरवाह यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये कई सारे बिल लाना चाहते हैं वो एज यूजुअल मनी बिल की तरह absolutely. अभी तक मनी बिल की तरह आते थे, अब इजीली मेजॉरिटी के साथ मेजॉरिटी के पास हो गए. मतलब वो मैं उस पूरे माइन्यूट उसमें नहीं जाना, लेकिन उनके लिए कोई रुकावट रहेगी नहीं, आप सिर्फ बोल सकेंगे और इजीली पास कर सकेंगे. लेकिन यही तो मेजॉरिटेरियन स्टेट के लिए एक कदम आगे है. 2019 के बारे में क्या लगता है आपको? 2019 मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर ये सबक हम नहीं लेंगे, लेकिन अच्छा है ये गुजरात के सबक से या जो आने वाले चुनाव हैं, इन चुनावों में आप देख रहे हो राजस्थान में बहुत बुरी हालत में बीजेपी है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई बहुत सुनहरा नहीं दिख रहा है, और इसी तरह से जो कर्नाटक में है वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है. लेकिन आप थोड़ा सा सिंबल देखो, मतलब थोड़ा सा सिग्नल समझने की कोशिश करो कि वो जो सिग्नल दे रहे हैं कि एक आदमी जो सरेआम, मतलब इससे ज़्यादा कोई घिनौनी हरकत नहीं हो सकती है, जो जला रहा है और वो जलाने वाला जो व्यक्ति है वो हीरो बन रहा है, तो ऐसा अगर माहौल वो पैदा करेंगे उसका संकेत क्या है? तो ये साफ है कि अगर ये इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया तो 2019 में कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, 2019 में कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि फिर ये जो नैरेटिव है, जो विनाश, जो विकास का नैरेटिव बिल्ड किया था, वो विनाश की तरफ जाएगा और उनको कोई रोक नहीं सकेगा. तो ये अभी सबक है जितना हम हस्तक्षेप कर सकेंगे, और इसमें जो भी इस तरह की ताकतें हैं और उस पूरे जो जो स्पेस है, जो ये स्पेस ऑफ आप कहो ऑपोजिशन है, या जो पूरी स्पेस जो हिंदुस्तान की स्पेस है, जो भारत की स्पेस है, उसको बिल्ड करना और उसको भरना बहुत ज़रूरी है. एक चीज़ और कि जिस अगर हम प्रधानमंत्री की रैलियां देखें, जो अलग अलग राज्यों में जाकर वो रैलियां करते हैं चुनावों के दौरान, चुनावों के अलग भी, तो उनमें एक बात वो जो बार बार दोहराते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार, तो जो भारत का जो संघीय ढांचा है जिसको ये इतना, तो क्या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए कितना जरूरी नहीं, है सुनाली, इसका फर्क पड़ता है. और ये फर्क आप हिमाचल में देख सकते हैं. एक जो बड़ा इशू हिमाचल में वोट देने का बीजेपी को, क्योंकि हिमाचल में बहुत डिसाइसिव जो रोल प्ले करते हैं वो वहाँ के कर्मचारी करते हैं. इनफैक्ट वहाँ कहावत है, जिस तरफ कर्मचारी का मूड हुआ उस तरफ वो जीत जाता है. तो कर्मचारी अपना नज़र लगा रहे हैं सिक्स, क्योंकि यहाँ सिक्स पे कमीशन से सेवन्थ जा रहा है, अभी हिमाचल में सिक्स पे कमीशन भी नहीं मिला है. तो उनमें यह था क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी रहने वाली है, दिल्ली मतलब केंद्र में, तो इसलिए हिमाचल में देने से हमारे को वो पे कमीशन आएगा. तो ये बहुत जुड़ा हुआ सवाल है. और जिस तरह से फिस्कल कंसोलिडेशन पूरी हुई है आपकी, अभी तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन शुरू हो गया है, तो आप देखेंगे कि पूरा स्क्वीज करके रखा है जो स्टेट्स की ताकत को, और वो बहुत तेज़ी से मास्टर करके बीजेपी ने किया है. मतलब अगर 14 फाइनेंस कमीशन को रिव्यू आप करेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि स्टेट्स की जो कैपेसिटी थी परफॉर्म करने की, और ख़ासकर उसको जो एक्स्ट्रा और जो मिलता था, बहुत सारा स्टेट से निकाल के लाते हैं, वो कैपेसिटी को बहुत मजबूती से इन्होंने बांधा, और उन्होंने कहा है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. और उसमें बीजेपी ने बहुत सिस्टमैटिक ढंग से काम किया है. तो संघीय ढांचे पर तो अभी उस तरह से कोई सवाल नज़र आ ही नहीं रहा है. अभी तो ये आ रहा है कि वो ये बिल्ड करने में, और एक तरफ कॉम्युनलाइज मतलब पूरा कॉम्युनल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, और दूसरी तरफ ये कि क्योंकि हमारी केंद्र में सरकार है और अगर डेवलपमेंट आप नीचे चाहते हो तो वो हमारे थ्रू ही होगी, ये वो बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं. मुझे लगता है बस एक आखिरी पॉइंट यहाँ एक बोलना चाहिए कि जहाँ तक संघीय ढांचे की बात है, वो तो शायद जब वो प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग ले आए तो उस पर हमला तो वहीं से शुरू हो गया. एब्सोल्युटली. तो उसके आगे शायद कुछ और बोलने का जरूरत नहीं है. लेकिन उसके बावजूद जो आपके फाइनेंस कमीशन्स हैं वो डिवॉल्व करते हैं, वो तय करते हैं कितना पैसा कहाँ जाना है. लेकिन ये सब कुछ के बावजूद भी वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये मैं खैरात बांट रहा हूँ, जो उसका लेजिटिमेट अधिकार भी है वो खैरात के रूप में बांटने की चेष्टा दिखाते हैं. और वो दिखा रहे हैं कि उसके जो रिपोजिटरी है, मतलब वो पूरा की अगर जिम्मेवारी किसी की है और वो पूरा अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, और इसीलिए वो उसको पूरा आज जो वो अब नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरा एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं किस तरह से नॉर्थ ईस्ट कैप्चर करना है. लेकिन अच्छी बात इसमें ये है, जिस तरह से मैं जो बता रहा था आपको कि जिग्नेश और ये पूरी जो टीम खड़ा होकर आना, और ये पूरा लोगों से नैरेटिव बिल्ड करके आना, और जिस तरह से ऐसे सिम्बल्स बिल्ड करना,
ये है अच्छी बात जो हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। अब कैसे ये कंसोलिडेट होंगे, किस तरह से ये बंधेंगे, किस तरह से बांधे जाएंगे, ये इतना मतलब इतना लीनियर और इतना सिंपल नहीं है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे देश का संघीय ढांचा है, या हमारे देश में जैसा आपने कहा धर्मनिरपेक्षता का क्वेश्चन है, या हमारे देश का जो भाईचारा है, उस भाईचारे को लेकर लोग अपनी यूनिटी खुद पैदा करेंगे और अपना नैरेटिव खुद बिल्ड करेंगे और डेफिनेटली इनको पीछे धकेलने में काम करेंगे। आफ्टर ऑल बीजेपी में इतना उत्साह नहीं है आपको अगर दिखेगा, मतलब पूरे गुजरात को लेकर कोई उत्साह के साथ नहीं वो बोल रहे हैं। इनफैक्ट मीडिया बड़े ग्रुप्स बोल रहे थे कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी वाले खुद नहीं कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं। तो वो शायद बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल जिस नीति को ये बिल्ड कर रहे हैं वो ना सिर्फ डिजास्टर्स है लेकिन वो बहुत खतरनाक है। तो गुजरात और हिमाचल के चुनावों पर जो हमारी चर्चा है वो हम अभी ख़त्म करते हैं, लेकिन 2019 पास है लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारे और पड़ाव हैं, उन सब के बारे में हम आपके उन सब चुनावों उन सारे मुद्दों को हम आपके साथ हमेशा आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टिकिंदर आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रांजल आपका, अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ क्लिक का फेसबुक लाइव देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।